एक बार फिर श्री शक्ति क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो अध्याय तीसरा हम पढ़ रहे थे उसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे और वो है भ्रूण का परिवर्तन। देखिए क्या होता है भ्रूण के परिवर्तन, किस प्रकार भ्रूण का परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन, भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन द्विबीजपत्री पादप, इसका नाम है कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, पेस्टोरिस में 1840 में हेल्स्टीन ने किया था। यह पादप क्रूसीफेरी कुल का है, क्रूसीफेरी कुल का है। तो जो भ्रूण परिवर्तन का जो अध्ययन किया था वो सर्वप्रथम क्रूसीफेरी कुल के पादप है जिसका नाम है जानना कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस में 1840 में हेल्स्टीन ने किया था। और ये जो पादप है वो क्रूसीफेरी कुल का है। अब इसमें सबसे पहले इसी में उन्होंने इसका अध्ययन किया था। तो इसमें होता क्या, देखो हमने इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जो अंडकोशिका है, अंडकोशिका से एक द्वितीयक, अंडकोशिका से एक केंद्रक है वो क्या हो जाता है, संयोजित हो जाता है। एक केंद्रक संयोजित होता है जिसके कारण इसका निर्माण होता है, युग्मरस का निर्माण होता है। आगे देखिए सर्वप्रथम क्या होता है, अब भ्रूण कोश में हमने पढ़ा है कि भ्रूण कोश में एक नर युग्मक द्विनिषेचन और त्रिक्षलयन हमने पढ़ा था कि भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अंडकोशिका से संयोजित होकर युग्मरज का निर्माण करता है। हमने पढ़ा था कि एक नर युग्मक है जो कि कैसा है, उसी गुणिका क्या है, अगुणित है, प्लस अंडकोशिका के साथ ये संयोग करता है। अंडकोशिका भी कैसी थी, अगुणित थी, तो इनके संयोग से युग्मरज का निर्माण होता है जो कि क्या था, द्विगुणित युग्मरज का निर्माण होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक नर युग्मक है वो अंडकोशिका से संयोजित होता है। परागनलिका में हमने देखा था कि दो नर युग्मक थे, है ना, उनमें से एक नर युग्मक है वो अंडकोशिका से संयोजित हो जाता है और युग्मरज का निर्माण करता है। अब क्या होता है, युग्मरज में विभाजन के फलस्वरूप अब जो युग्मरज बना है अंडकोशिका और नर युग्मक के संयोजन से, उस युग्मरज में क्या होता है, विभाजन होता है। उस विभाजन के फलस्वरूप दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, एक होती है शीर्षस्थ कोशिका और एक होती है आधारी कोशिका। जो शीर्ष पर जो कोशिका बन रही है उसको हम शीर्षस्थ कोशिका कहते हैं या शीर्ष कोशिका भी आप कह सकते हो, और जो आधार में नीचे की ओर जो कोशिका का, जिस कोशिका का निर्माण होता है उसे हम आधारी कोशिका कहते हैं। तो युग्मरज में विभाजन के फलस्वरूप दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, एक बनती है आपके शीर्षस्थ कोशिका
और दूसरी बन जाएगी आपके जो नीचे की ओर बनेगी आधार की ओर बनेगी वो हो जाएगी आपके आधारीय कोशिका, आधारीय कोशिका। अब ये हमें ध्यान रखना है कि शीर्षस्थ कोशिका किधर बन रही है, आधारीय कोशिका किधर बन रही है। आपने बीजांड की संरचना पढ़ी है तो हमने देखा था कि इधर वाला जो भाग था वो कौन सा था, निभा, और नीचे वाला भाग था बीजांड द्वार। तो जो शीर्षस्थ कोशिका है वो निभाग की ओर बनती है, शीर्षस्थ कोशिका निभागीय छोर पर बनती है, शीर्षस्थ कोशिका निभाग की ओर बनती है। जबकि आधारीय कोशिका कहां बनती है, बीजांड द्वार की तरफ, बीजांड द्वार की ओर बनती है। जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है आपको कि आधारीय कोशिका जो शीर्षस्थ कोशिका है ये निभागीय भाग है, निभाग वाला भाग, और ये वाला भाग कौन सा है, बीजांड द्वार वाला भाग। तो जो शीर्षस्थ कोशिका है वो निभागीय छोर पर और आधारीय कोशिका है वो बीजांड द्वार छोर पर बनती है। आगे देखिए, हमने देखा कि दो प्रकार की कोशिकाएं बन गई, एक शीर्षस्थ कोशिका और आधारीय कोशिका। और इसका निर्माण कब हुआ, युग्मनज में जब प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन हुआ उसके फलस्वरूप दो प्रकार की कोशिकाएं बनी। फिर शीर्षस्थ कोशिका है वो विभागीय भाग की ओर और आधारीय कोशिका है वो बीजांड द्वार की तरफ क्या होती है, स्थित होती है। अब क्या होगा, शीर्षस्थ कोशिका में, शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन व आधारीय कोशिका में, व आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। दोनों में अलग अलग प्रकार का विभाजन होगा, शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन और आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होगा। ये दोनों विभाजन साथ साथ चलते हैं, ये दोनों विभाजन साथ साथ होते हैं, यानी जब शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन हो रहा होता है ठीक उसी समय आधारीय कोशिका में भी आपके अनुप्रस्थ विभाजन होता है। दोनों जो विभाजन चल रहे हैं, शीर्षस्थ कोशिका में तो अनुदैर्ध्य और आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन, वो दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। अब देखिए, अब अभी हमने देखा है कि शीर्षस्थ कोशिका के अंदर कौन सा विभाजन हो रहा है, अनुदैर्ध्य विभाजन। अब अनुदैर्ध्य विभाजन के फलस्वरूप, अनुदैर्ध्य विभाजन के फलस्वरूप बनी दो शीर्ष कोशिकाओं में, दो शीर्ष कोशिकाओं में, ये दो शीर्ष कोशिकाएं अनुदैर्ध्य विभाजन हुआ तो कितनी कोशिकाएं बनी, दो शीर्ष कोशिकाएं। क्यों, क्योंकि ये शीर्षस्थ कोशिका है तो दो शीर्ष कोशिकाएं बन गई। कब, जब इन इस कोशिका के अंदर कौन सा विभाजन हुआ, अनुदैर्ध्य विभाजन हुआ तो दो शीर्ष कोशिकाएं बनी। तो अनुदैर्ध्य विभाजन के फलस्वरूप बनी दो शीर्ष कोशिकाओं में पुनः लंबवत अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, लंबवत अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, जिससे जिससे चार कोशिकाएं या चतुष्टांशक का निर्माण होता है, चार कोशिकाओं का समूह चतुष्टांशक। पहले क्या हुआ, जो शीर्षस्थ कोशिका थी उसमें
अंगदेह में विभाजन हुआ, दो कोशिकाएं बन गई। उन दोनों कोशिकाओं में जो दो कोशिकाएं बनी है शीर्षस्थ कोशिका में अंगदेह विभाजन से, उन शीर्षस्थ कोशिका में पुनः क्या होता है, अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, लंबवत अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप इन दो कोशिकाओं से कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं, चार कोशिकाएं बन जाती हैं। इन चार कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, चतुष्कांशक का नाम दिया गया है। अब आगे क्या होगा, चतुष्कांशक में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। कौन सा विभाजन, अब अनुदैर्ध्य नहीं हो रहा, अनुप्रस्थ है, चतुष्कांशक, चतुष्कांशक यानी चार कोशिकाएं जो बनी है अनुदैर्ध्य विभाजन के फलस्वरूप, तो चतुष्कांशक में अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा आठ कोशिकाओं का समूह, आठ कोशिकाओं का समूह या अष्टांशक का निर्माण होता है। पहले दो कोशिकाओं में, पहले दो कोशिकाओं में अनुदैर्ध्य विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप चार कोशिकाएं बनी। उन चारों कोशिकाओं में क्या हुआ, अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप आठ कोशिकाएं बनी। जो चार कोशिकाओं का समूह है उसे तो हम चतुष्कांशक कहते हैं, और जो आठ कोशिकाओं का समूह है उसे हम अष्टांशक कहते हैं। अब आगे क्या होता है कि जो अष्टांशक आठ कोशिकाओं का समूह है, अष्टांशक की प्रत्येक कोशिका में परिणत विभाजन से, परिणत विभाजन से, दो प्रकार का विभाजन होता है, परिणत और एक अपनत। परिणत विभाजन में हमने पहले बात की थी, परिणत विभाजन में क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स एंड नंबर ऑफ लेयर्स, कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ती है और कोशिकाओं के परतों की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती है, तो इस प्रकार का विभाजन है वो परिणत विभाजन कहलाता है। तो अष्टांशक की प्रत्येक कोशिका में परिणत विभाजन से बाहर की ओर, बाहर की ओर आठ कोशिकीय परत यानी बाह्य त्वचाजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोजन, वे आठ कोशिकीय आंतरिक परत का निर्माण होता है भ्रूण के। तो जो अष्टांशक बनी है, आठ कोशिकाएं बनी है, इन आठों कोशिकाओं के समूह की प्रत्येक कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है, परिणत विभाजन होता है, और इस परिणत विभाजन के कारण, परिणत विभाजन के कारण दो प्रकार की लेयर्स बनती हैं, एक बाहर की ओर और एक भीतर की ओर, और ये कितने होते हैं, आठ कोशिकीय लेयर्स होती है, आठ कोशिकाएं की संख्या, कोशिकाओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, आठ। तो बाहर की ओर आठ कोशिकीय परत बनती है, जिसको हम बाह्य त्वचाजन या डर्मेटोजन कहते हैं, ये तो बाहर की ओर बनती है, और अंदर की ओर भी क्या बनती है, आठ कोशिकीय आंतरिक परत का निर्माण होता है। ये जो आपके डर्मेटोजन है, डर्मेटोजन यानी बाह्य त्वचाजन, डर्मेटोजन में अब क्या होता है, अपनत विभाजन से, अपनत विभाजन से, डर्मेटोजन जो बनी है बाह्य त्वचाजन से हम बोलते हैं, डर्मेटोजन में अपनत विभाजन से क्या बनता है, भ्रूण की एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस ठीक है, आठ कोशिकीय आंतरिक परत है, आठ कोशिकीय उससे बीज पत्राधार, बीज पत्राधार, प्राग एधा तंत्र
आदि का निर्माण होता है। जिस प्रकार जो बाहर की आठ कोशिकी परत थी उससे तो क्या बन रहा है, भ्रूण की एपिडर्मिस एपिडर्मिस बन रही है, बाह्य त्वचा बन रही है, उसी प्रकार जो आठ कोशिकी आंतरिक परत है उससे बीज पत्रालहर प्राग्यधा तंत्र भ्रूण के बनते हैं। तो फिर से देख लीजिए कि शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन, आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। दोनों विभाजन क्या होते हैं, साथ साथ चलते हैं। अनुदैर्ध्य विभाजन, जो शीर्ष कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन होता है उसके फलस्वरूप दो शीर्ष कोशिकाओं में पुनः लंबवत अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, जिससे क्या बनता है, चार कोशिकाएं बनती है जिसे हम चतुष्टांशक कहते हैं। इस चतुष्टांशक में वापस क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके द्वारा आठ कोशिकाओं का समूह बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अष्टांशक कहते हैं। अब अष्टांशक की प्रत्येक कोशिका में परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन से क्या होता है, बाहर की ओर तो आठ कोशिकी परत यानी बाह्य त्वचाजन यानी डर्मेटोजन का निर्माण होता है और आठ कोशिकी आंतरिक परत का निर्माण हो जाता है। जो बाह्य त्वचाजन है डर्मेटोजन, डर्मेटोजन में अपनत विभाजन होते हैं और अपनत विभाजन से क्या होता है, भ्रूण की एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा का निर्माण होता है। इसी प्रकार जो आठ कोशिकीय आंतरिक परत थी उसके द्वारा बीज पत्राधार प्राग्यधा तंत्र आदि का विकास या निर्माण होता है। अब ये तो बात हमने कर ली शीर्षस्थ कोशिका के बारे में कि भाई शीर्षस्थ कोशिका में पहले अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, दो कोशिकाएं बनती है, उन दोनों कोशिकाओं में पुनः क्या होता है, लंबवत अनुदैर्ध्य विभाजन होता है जिससे चार कोशिकाएं बनती है, जिसे चतुष्टांशक कहते हैं। चारों कोशिकाओं में पुनः अनुप्रस्थ विभाजन होता है, इससे आठ कोशिका या अष्टांशक का निर्माण होता है। अष्टांशक बाहर की ओर परिणत विभाजन के द्वारा बाहर की ओर आठ कोशिकीय परत जिसे डर्मेटोजन कहते हैं उसका निर्माण होता है और अंदर की आठ कोशिकीय परत का निर्माण होता है। ये तो बात कर ली हमने शीर्षस्थ कोशिका का। अब देखो आधारी कोशिका का इसमें क्या रोल है, और हमें पता है कि आधारी कोशिका में कौन सा विभाजन हो रहा था, अनुप्रस्थ विभाजन। तो आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा, अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा क्या बनता है, सात से दस कोशिकीय लंबा, सात से दस कोशिकीय लंबा निलंबक, निलंबक बनता है। ये देखिए ये सात से दस कोशिकीय लंबा क्या है, ये निलंबक है। ये इसमें सात कोशिका से लेकर दस कोशिका हो सकती है। आधारी कोशिका है उसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन हो रहा है, किस प्रकार का विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन हो रहा है। अनुप्रस्थ विभाजन से होने के बाद में क्या, सात से दस कोशिकाओं का एक लंबी संरचना बनेगी जिसे हम निलंबक कहते हैं। अब क्या होगा कि निलंबक की अंतिम कोशिका, सबसे लास्ट वाली निलंबक की अंतिम कोशिका फूल कर क्या बनाती है, चूषकांग, चूषकांग बनाती है। अभी चूषकांग करती क्या है, निलंबक की अंतिम कोशिका फूलकर चूषकांग बनाती है और ये चूषकांग भ्रूण कोष से खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, खाद्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। तो इस प्रकार ये जो आधारी कोशिका है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप सात से दस लंबी एक कोशिकीय संरचना बनती है, उस कोशिकीय संरचना को हम क्या कहते हैं, निलंबक कहते हैं। इस निलंबक की जो अंतिम कोशिका है, निलंबक की अंतिम कोशिका है वो फूल जाती है और फूल का क्या बनाती है, चूषकांग बनाती है। चूषकांग भ्रूण कोष में खाद्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। अब जो शीर्षस्थ कोशिका है, शीर्षस्थ कोशिका
मैं विभाजन से बनी कोशिकाओं में निरंतर विभाजन के फलस्वरूप बीज क्या हो जाता है, हृदय का, हृदय के आकार का हो जाता है। पहले गोल होता है और गोल होने के बाद में हृदय का आकार होता है। क्यों? क्योंकि जो शीर्षस्थ कोशिकाओं से शीर्षस्थ कोशिका में जो विभाजन होता है उससे जो कोशिकाएं बनी हैं उन कोशिकाओं में भी आगे लगातार क्या होते हैं, विभाजन होते रहते हैं। इसके फलस्वरूप जो बीज बनता है वो बीज पहले तो गोल गोल होता है लेकिन बाद में वो कैसा हो जाता है, वो हृदयकार हो जाता है। वो इस प्रकार आपने देखा होगा, ये इस प्रकार हृदयकार हो जाता है और उसमें दो पालियां बन जाती है। बीज में दो पालियां बन जाती हैं, दो पालियां बन जाती हैं जो कि बीज पत्र के रूप में, बीज पत्र के रूप में विकसित होती हैं। दोनों पालियां बाद में बीज पत्र के रूप में विकसित हो जाती हैं। अच्छा, अब दोनों बीज पत्रों के बीच आप देखो, आप या दोनों पालियों के बीच में क्या होती है, खांस होती है। तो दोनों पालियों के मध्य खांस के आधारीय भाग से प्रांकुर का विकास होता है। किसका? प्रांकुर का विकास होता है। ये बीज है, बीज पत्र है, बीज पत्रों के दोनों पालियों में विभेदित है ये बीज पत्र और इन पालियों के दोनों पालियों के मध्य खांस के आधारीय भाग से क्या है, प्रांकुर का विकास होता है। एक जो परिपक्व भ्रूण होता है, परिपक्व भ्रूण भ्रूण अक्ष वे बीज पत्र में क्या होता है, विभेदित होता है, बंटावा होता है। एक परिपक्व भ्रूण, एक परिपक्व भ्रूण है उसमें क्या होते हैं, भ्रूण अक्ष होता है और बीज पत्र होते हैं। और बीज पत्र कितने होते हैं, दो, दो तो बीज पत्र होते हैं और एक भ्रूण अक्ष होता है। तो भ्रूण अक्ष के ऊपर का भाग, भ्रूण अक्ष के ऊपर का भाग बीज पत्रोपरिक वे नीचे का भाग क्या कहलाता है, बीज पत्राधार, बीज पत्राधार कहलाता है। साथ ही साथ जो बीज पत्र है उस बीज पत्र में क्या होता है, भोजन संचित होता है, इसीलिए थोड़े फूले हुए होते हैं। बीज पत्र में भोजन संचित रहता है, यह भोजन नव युग्मकोद्भिद को स्थापित करने में, नव युग्मकोद्भिद को स्थापित करने में सहायक होता है। यानी जब कोई बीज अंकुरित हो रहा है उस समय बीज पत्र में जो भोजन संचित रहता है वो उसको स्थापित करने में सक्षम होता है। इस प्रकार ये आपके भ्रूण का परिवर्तन होता है। अगला है आपका, भ्रूण का परिवर्तन हो गया, अब आता है आपके बीज का परिवर्तन। बीज का परिवर्तन, डेवलपमेंट ऑफ सीड, कि भाई बीज का परिवर्तन किस प्रकार होता है।
इसमें क्या होता है कि आपके रीनिषेचन के पश्चात द्विनिषेचन हमने पढ़ा है, तो द्विनिषेचन के पश्चात भ्रूण कोष में भ्रूण कोष में क्या होता है, परिवर्तन होता है, इसका विकास होता है, परिवर्तन होता है। द्विनिषेचन के पश्चात भ्रूण कोष में जो भ्रूण बन रहा है, भ्रूण है, भ्रूण कोष में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब जो बीजांड होता है, बीजांड वो किसमें बदल जाता है, वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। जो हमने बीजांड की संरचना पढ़ी थी उसमें देखा था हमने बीजांड की पूरी संरचना, तो ये जो बीजांड है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड में साथ साथ अनेक परिवर्तन होते हैं, बीजांड में अनेक परिवर्तन होते हैं, बीजांड में उपस्थित बीजांड जो आवरण होता है वह बीज आवरण में बदल जाता है। यानी बीजांड के ऊपर जो आवरण थे, आवरण था, वो अब किसमें बदल जाता है, वो बीज आवरण में। क्यों? क्योंकि बीजांड तो किसमें बदल रहा है, बीज में बदल रहा है ना, इसलिए बीजांड का जो आवरण है वो अब बीज का आवरण बन जाता है। जो बीजांड का बाह्य चोर या बाह्य आवरण, बीजांड का बाह्य आवरण क्या, बाह्य बीज चोर बनाता है। जिसे क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं। जो बीजांड, अभी हमने बात की कि भाई जो बीजांड है, बीजांड का आवरण है, अब वो बीजांड का आवरण ना रहकर अब बीज का आवरण बदल जाता है। क्यों? क्योंकि बीजांड किसे बदल रहा है, बीज में। और हमने पढ़ा था बीजांड के चारों तरफ दो आवरण थे, एक बाह्य आवरण था, एक अंदर की ओर का आवरण था। तो जो बीजांड का जो बाह्य आवरण है, जिसे बाह्य आवरण था, जिसे हम बाह्य अध्यावरण भी कह रहे थे, अब वो जो बाह्य आवरण है वो किसमें बदल गया, वो बाह्य बीज चोर में बदल गया। और इस बाह्य बीज चोर को क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं। इसी प्रकार बीजांड का जो अंत्य आवरण उसे हम अंत्य बीज चोर या टेगमेन, या क्या कहते हैं, टेगमेन कहते हैं। दोनों आवरण बदल जाएंगे, बीजांड का बाह्य आवरण तो अब बाह्य बीज चोर बना लेगा, और बीजांड का जो अंत्य आवरण है, ठीक है, वो अंत्य बीज चोर या टेगमेन बना लेता है, या उसमें परिवर्तित हो जाता है। अब जो बीजांड द्वार निभाग आपके हाइलम रेफे आदि में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, किस किस में, बीजांड द्वार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, निभाग में कोई नहीं होता, हाइलम में कोई परिवर्तन नहीं होता, और रेफे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता।
विजांड के ये जो पार्ट्स हैं विजांड द्वार, निभाग, हाइलम, रेफे, इनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो आपका विजांड वृंत था वो अब बदलकर बीज वृंत में परिवर्तित हो जाता है या बीज वृंत बन जाता है। वो विजांड वृंत अब परिवर्तित होकर क्या बनाता है, बीज वृंत बना लेता है। पहले जो बीजांड वृंत था वो अब क्या बना लेता है, वो अब बना लेता है बीज वृंत। अब ये बीजांड वृंत की बात हो गई, बीजांड द्वार, निभाग, हाइलम, रेफे, ठीक है, बीजांड के आवरण। अब बात आती है बीजांड काय, बीजांड काय का क्या होता है, बीजांड काय भ्रूणीय विकास के काम आता है, भ्रूण के विकास में काम आता है बीजांड काय। कभी कभी तो पूरा का पूरा बीजांड काय है वो भ्रूण के विकास में काम आ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बीजांड काय है वो पूरा का पूरा काम में नहीं होता। तो बीजांड काय भ्रूणीय विकास के काम आता है। लेकिन जो काली मिर्च है, काली मिर्च उसमें क्या होता है कि जो बीजांड काय होता है आपका न्यूसेलस वो पूरा का पूरा काम नहीं आता है। वो क्या करता है, उसके अंदर काली मिर्च के अंदर जो बीजांड काय है वो एक पतली झिल्ली के रूप में क्या है उपस्थित रहता है। लेकिन काली मिर्च में बीजांड काय एक पतली झिल्ली के रूप में या एक पतली परत भी कह सकते हो, एक पतली झिल्ली के रूप में उपस्थित रहता है। अब बीजांड के चारों ओर कभी कभी क्या होता है, बीजांड के चारों ओर एक मांसल संरचना पाई जाती है, मांसल यानी थोड़ी फूली हुई मांसल संरचना पाई जाती है जिसे एरिल कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं एरिल। और लीची एक फ्रूट का नाम है, लीची, लीची में जो खाने वाला जो भाग होता है वो ये आपका एरिल ही होता है। लीची में खाने वाला भाग क्या होता है एरिल। तो बीजांड के चारों ओर एक मांसल संरचना पाई जाती है जिसे एरिल कहते हैं। इसी प्रकार यूफोर्बियेसी कुल के पादपों में क्या होता है, बीजांड द्वार के छोर से एक श्वेत संरचना निकलती है जिसे कैरेंकल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरेंकल। तो इस प्रकार ये आपके बीज का परिवर्तन होता है। और अगला टॉपिक है आपके फल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, फल का विकास किस प्रकार होता है। तो देखो जब निषेचन होता है, निषेचन के पश्चात क्या होता है, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब निषेचन की क्रिया होती है तो जो अंडाशय है वो अंडाशय किसमें बदल जाएगा, फ्रूट के अंदर बदल जाता है। और जो अंडाशय भित्ति होती है, अंडाशय भित्ति होती है वो किसमें बदल जाएगी, वो बदल जाएगी आपके
फल भित्ति में चेंज हो जाती है, फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार के फल जो अंडाशय से निर्मित होते हैं या अंडाशय से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सत्य या वास्तविक फल कहते हैं, सत्य या वास्तविक फल कहेंगे। कौन से फल वास्तविक सत्य फल कहलाएंगे? कि ऐसे फल जो किससे परिवर्तित हुए हैं? अंडाशय से। अंडाशय से जिन फलों का निर्माण हुआ है, उन फलों को ही हम ट्यूब फ्रूट से या वास्तविक फल कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त फलों का विकास दलपुंज से, बाह्य दलपुंज से या पुष्पासन से होता है। इससे पुष्पासन से, यानी ऐसे फल जिनमें अंडाशय के अलावा दूसरे पार्ट्स, जिसमें जैसे दलपुंज, बाह्य दलपुंज या पुष्पासन, ये सारे के सारे आपके फ्लावर के पार्ट्स हैं। तो अंडाशय के अलावा दलपुंज, बाह्य दलपुंज या पुष्पासन भी फल के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। तो इस प्रकार के जो फल होते हैं वो वास्तविक या सत्य फल ना कहलाकर इस प्रकार के फल क्या कहलाते हैं? आभासी फल कहलाते हैं, जिनका निर्माण केवल और केवल अंडाशय से होता है, उन फलों को तो हम सत्य या वास्तविक फल कहते हैं। और जिन फलों का निर्माण अंडाशय के अलावा दलपुंज से, बाह्य दलपुंज से या पुष्पासन से, यानी ये पार्ट भी फल के विकास में अपना योगदान देते हैं, तो इस प्रकार के फल है वो क्या कहलाते हैं? आभासी फल कहलाते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। फल में परिवर्तित हो जाता है ऐसे फलों को अनिषेक फल क्या कहते हैं? अनिषेक फल कहते हैं। और इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि निषेचन होगा तभी ये जो अंडाशय है वो किसमें बदल जाएगा? आपके फल में बदल जाएगा। निषेचन की क्रिया होगी, अंडाशय फल में चेंज हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अंडाशय फल में तो बदल रहा है, फल में चेंज हो रहा है अंडाशय, लेकिन उसके लिए निषेचन की आवश्यकता नहीं है। बिना निषेचन के ही अंडाशय किसमें बदल रहा है? फल में परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार जो फल बनते हैं उन फलों को हम क्या कहते हैं? अनिषेक फल कहते हैं। और ये जो क्रिया है वो अनिषेक फलन कहलाती है। तो इस प्रकार बिना निषेचन के अंडाशय जब फल में परिवर्तित हो जाता है तो ऐसे फलों में बीज नहीं बनते। ध्यान रखना, ऐसे फलों में बीज नहीं बनते। जैसे आपने अंगूर खाया है,
अंगूर के अंदर बीज नहीं बनता, केले के अंदर भी बीज नहीं बनता, क्यों? क्योंकि इनका जो विकास हुआ है, अंगूर और केले का विकास हुआ है, उनमें अंडाशय फल में तो परिवर्तित हो रहा है, लेकिन वो बिना किसके निषेचन के हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के फलों के अंदर बीज नहीं बनते हैं। आजकल क्या होता है, आजकल जो वृद्धि हार्मोन आते हैं, वृद्धि हार्मोन, आजकल वृद्धि हार्मोन कौन कौन से, ऑक्सीन है मान लो, और आपके जिब्रेलिन है। आजकल वृद्धि हार्मोन ऑक्सीन और जिब्रेलिन से एनिशेक फलन किया जाता है, एनिशेक फलन किया जाता है, इसे प्रेरित एनिशेक फलन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपके फल का विकास होता है, यानी फल का विकास है वो किससे होगा, अंडाशय से होगा, और फल की भित्ति बनेगी वो अंडाशय की भित्ति से फल की भित्ति बन जाती है। ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से केवल और केवल अंडाशय से होता है, उन्हें हम वास्तविक सत्य फल कहते हैं। ऐसे फल जिनका निर्माण या जिनका विकास अंडाशय के अलावा दलपुंज, बाह्य दलपुंज और पुष्पासन से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। और यदि अंडाशय फल में परिवर्तित हो रहा है और उसके लिए निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है, तो इस प्रकार के जो फल है वो एनिशेक फल, और ये क्रिया एनिशेक फलन कहलाती है। तो ये आज आपका चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है।